और चलिए अब रामगढ़ उपचुनाव की बात कर ले। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर आज काउंटिंग चल रही है और सुनीता चौधरी आज सुप्रत्याशी फिलहाल आगे चल रही हैं। जो रुझान अब तक सामने आए उसमें सुनीता चौधरी आगे चल रही हैं। रामगढ़ की जनता आज फैसला करने वाली है। काउंटिंग हो रही है, वोटों की गिनती की जा रही है। रामगढ़ में आज किसकी जीत होनी है, रुझान जो अब तक सामने आए हैं और सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, जो रुझान अब तक आए हैं उसमें आज सो प्रत्याशी सुनीता चौधरी आगे चल रही है। राकेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको जी? रुझानों में ही एनडीए प्रत्याशी आगे। तो बिल्कुल, देखिए अभी जो ट्रेंड है और जिस तरीके से तीन राउंड की गिनती हो चुकी है, लगभग 10,000 से ज्यादा वोटों से एनडीए की जो प्रत्याशी है सुनीता चौधरी वो आगे बताई जा रही है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एनडीए के लिए आंसू के लिए एक बड़ा आप कह सकते हैं कि संकेत है। हालांकि ये शुरुआती है और 11 राउंड की गिनती अभी होनी है। 3 राउंड की गिनती हो चुकी है आरती, 4 राउंड की गिनती की शुरुआत अब से थोड़ी देर के बाद होगी। ईवीएम जा चुका है, अब इंतजार किया जा रहा है 4 राउंड की गिनती का। तो उसके बाद क्या यही ट्रेंड बनता है या यहाँ से चीजें बदलती है ये देखना होगा। लेकिन शुरुआत जिस तरीके से हुई है और जिस तरीके से जो मार्जिन जिस लेवल पे आया है एनडीए के पक्ष में, वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक सुखद तस्वीर है यहाँ से। और इसको क्या सुनीता चौधरी दूसरे राउंड, चौथे राउंड, पांचवें राउंड या छठे राउंड तक भी अगर इस मार्जिन को इसी तरीके से मेंटेन करती है, तो आप कह सकते हैं कि तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं उसके बाद आपको बिल्कुल एक तरीके से साफ नजर आता हुआ दिखाई देगा आरती। बिल्कुल, और अभी ये बहुत शुरुआती है दौर है। और देखिए, शहरी वोट पहले काउंट किए जाते हैं, तो इसलिए भी है क्योंकि जब यहाँ पर हमारे साथ गेस्ट पैनल थे उनका भी ये कहना था, जेएमएम और कांग्रेस ये साफ तौर पर कह रही है कि अभी जब ग्रामीण वोट काउंट किए जाएंगे उस वक्त तस्वीरें बहुत बदल जाएंगी, क्योंकि अभी बहुत शुरुआती फेज है, इसलिए अभी कुछ भी कहना अब जल्दबाजी होगी। तो बिल्कुल, देखिए सही बात है, क्योंकि ये शहरी इलाका है, अभी जो शुरुआत हुई है, जो वोट काउंट किए जा रहे हैं वो शहर के वोट है। और शहर में आपको पता है कि इस बार एनडीए की एक तरीके से ज्वाइंट प्रत्याशी है सुनीता चौधरी, तो लिहाजा जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है उसका कहीं ना कहीं आपको साथ मिलता हुआ इस ट्रेंड के मुताबिक जिस तरीके से चीजें बढ़ रही है उसमें आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन जब आप शुरुआत इस तरीके से करते हैं, जब शुरुआत हुई है आपको एक बड़ा मार्जिन मिल जाता है और उस मार्जिन को अगर आप 2-3 राउंड तक या 3 राउंड तक यूं ही मेंटेन रखते हैं, तो आपके लिए एक बेहतर संकेत की तरफ ये चीजें लेकर जाती हैं। तो आप देखना होगा कि जो 4 राउंड की जो गिनती हो जाएगी, जो 5 राउंड की गिनती होगी, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आरती। यहाँ से अगर इसी मोमेंटम को अगर एनडीए बरकरार रखता है, अगर प्रत्याशी के हक में ये सारी चीजें इसी तरीके से आगे चलती रहेंगी, अगर मोमेंटम इसी तरीके से बरकरार रहता है, तो कांग्रेस के लिए यूपीए के लिए कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि सोचने वाला सवाल हो जाएगा। बहरहाल ये देखना होगा कि जब गांव के वोट खुलेंगे, जब प्रखंड, चूंकि 4 प्रखंड है यहाँ से, तो प्रखंड वाइज प्रखंड में भी बहुत सारा अंतर है। कहीं पास आपको यूपीए मजबूत नजर आएगा, तो कहीं आपको एनडीए मजबूत नजर आएगा। तो बहुत सारी चीजें अभी बदलनी है, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं आंसू के लिए एनडीए के लिए बेहतर, और इसी का नतीजा है कि आप मतगणना केंद्र के बाहर अभी से ही समर्थक जो है हजारों की तादाद में पहुंचने लगे हैं। जैसे जैसे काउंटिंग शुरू हो रहा है, जैसे जैसे एक राउंड की गिनती पूरी होती है, तो समर्थकों में कहीं ना कहीं भारी उत्साह देखा जा रहा है आरती। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, रामगढ़ उपचुनाव की काउंटिंग चल रही है, जो शुरुआती रुझान है उसमें आज सुप्रत्याशी सुनीता चौधरी आगे चल रही हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।